चुनावी मौसम में वैसे तो राजनीतिक पार्टियां आरोप लगाकर एक दूसरे की मुश्किलें बढ़ाती हैं, लेकिन बिहार में लालू परिवार में तो हालात कुछ और ही है। यहां तो बेटे तेज प्रताप यादव ने परिवार और पार्टी के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। बिहार आरजेडी में इस वक्त 2 फाड़ की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ तेज प्रताप है जिन्होंने लालू राबड़ी मोर्चा बनाकर अपने 2 प्रत्याशियों को उतारने की जिद पकड़ ली है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, जो पार्टी की सहमति से आगे बढ़ रहे हैं। इन सबके बीच अब तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। तेज प्रताप ने तेजस्वी से कहा है कि शिवहर और जहानाबाद की सीट पर उनके 2 उम्मीदवारों के बारे में निर्णय लेने के लिए मैं पार्टी को 2 दिन का समय दे रहा हूँ। आप या तो इस पर निर्णय लीजिए या फिर मैं खुद निर्णय लूंगा। दरअसल तेज प्रताप यादव अपने 2 करीबी सहयोगियों चंद्र प्रकाश और अंगेश को आरजेडी का उम्मीदवार बनवाना चाहते हैं। इनका कहना है कि फिलहाल आरजेडी ने जहानाबाद सीट से जिन सुरेंद्र यादव को टिकट दिया है, वे पहले 3 बार हार चुके हैं। ऐसे में पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी, इसलिए तेज प्रताप का कहना है कि तेजस्वी यादव को उन्हें समझना चाहिए और उनके साथियों को मौका देना चाहिए। वहीं आरजेडी के आंतरिक सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव से आन वक्त पहले तेज प्रताप के बगावती सुर पार्टी को चुनाव में खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। पार्टी सूत्रों का मानना है कि यह लड़ाई अब वहां पहुंच गई है जहां लालू यादव को खुद सख्त कदम उठाते हुए तेज प्रताप को पार्टी से निलंबित करना पड़ेगा। अगर वाकई ऐसा होता है तो लालू परिवार का भी खाना तय है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।